ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं नादा बिंदु उपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद के प्रारंभ में ओमकार को हंस मानकर उसके विभिन्न अंगों पांगों का वर्णन किया गया है। फिर ओम की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल कहा गया है। योग युक्त साधक की स्थिति तथा ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों के अक्षय का वर्णन करते हुए नाद के अनेक प्रकार तथा नादा अनुसंधान साधना का स्वरूप समझाया गया है। अंत में मन के प्रभावित होने, मन के लय होने तथा मनोलय की स्थिति का वर्णन किया गया है। मनोलय की स्थिति का वर्णन किया गया है। शांति पाठ। ओम वांग्मयी मनसि इति शांति। पहला श्लोक। ओमकार रूप हंस का एकार दक्षिण पक्ष दाहिना पंख तथा उकार उत्तर पक्ष बायां पंख कहा गया है। उसकी पूछ ही मकार है और अर्धमात्रा ही उसका शीर्ष भाग है। दूसरा श्लोक। उस ओमकार रूप हंस के दोनों पैर रजोगुण एवं तमोगुण हैं और उसका शरीर सतोगुण कहा गया है। धर्म उसका दक्षिण चक्षु है और अधर्म बायां चक्षु नेत्र कहा गया है। तीसरा श्लोक। उस हंस के दोनों पैरों में भू पृथ्वी लोक स्थित है। उसकी जंघाओं में भुवः अंतरिक्ष लोक केंद्रित है। स्वः स्वर्ग ऊर्ध्व लोक उसके कटी प्रदेश तथा महलोक उसके नाभि प्रदेश में स्थित है। चौथा श्लोक। उसके हृदय स्थल में जनह लोक और कंठ प्रदेश में तपोलोक विद्यमान है। ललाट और भौं के मध्य में सत्यलोक स्थित है। पांचवा और छठा श्लोक। इस प्रकार से वर्णित सहस्रा अव्यय युक्त प्रणव स्वरूप हंस पर आसीन होकर कर्मानुष्ठान ध्यान आदि में रत हंस योगी विचक्षण पुरुष ओमकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता हुआ सहस्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ओमकार के देवता अग्नि हैं, उसका स्वरूप भी अग्नि मंडल जैसा है। अकार नामक प्रणव की प्रथम मात्रा आग्नेयी कही गई है और ओकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्या कही गई है। इस वायव्या के देवता वायु हैं और यह वायुमंडल की भांति रंग रूप वाली है। सातवां श्लोक। तत्पश्चात मकार नामक यह तृतीय मात्रा सूर्य मंडल के समतुल्य है। इस मात्रा के देवता सूर्य हैं तथा चतुर्थ मात्रा अर्धमात्रा के रूप में वारुणी कही गई है। इस वारुणी के देवता वरुण हैं। आठवां श्लोक। इन उपयुक्त चारों मात्राओं में से हर एक मात्रा तीन तीन काल अथवा कला रूप है। इस प्रकार ओंकार को द्वादश कलाओं से युक्त कहा गया है। धारणा ध्यान
एवं समाधि के द्वारा इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। ओमकार साधना मात्र उच्चारण से पूरी नहीं होती, दिव्य प्राण प्रवाह रूप ओंकार की अनुभूति धारणा ध्यानादि द्वारा की जाती है। नौवां श्लोक। इस प्रकार 12 कलाओं की मात्राओं में प्रथम मात्रा घोषणी कही गई है, द्वितीय मात्रा का नाम विदुन मात्रा है, तृतीय मात्रा पातंगी और चतुर्थ मात्रा वायु वेगिनी के नाम से जानी जाती है। दसवां श्लोक। पांचवी मात्रा का नाम नाम ध्येया है और छठवी मात्रा इंद्री के नाम से जानी जाती है। सातवीं मात्रा का नाम वैषण भी और आठवीं मात्रा शांकरी के नाम से प्रसिद्ध है। ग्यारहवां श्लोक। नौवीं मात्रा महती तथा दसवीं मात्रा को धरती ध्रुवा कहा गया है। ग्यारहवीं मात्रा नारी मौनी और बारहवीं मात्रा ब्राह्मी के नाम से जानी जाती है। बारहवां श्लोक। ओमकार की इन द्वादश कलाओं की प्रथम मात्रा में यदि साधक अपने प्राणों का परित्याग कर देता है तो वह भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रादुर्भूत होता है। तेरहवां श्लोक। ओमकार की द्वितीय मात्रा में जब साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है तब वह महान महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। ओमकार की तृतीय मात्रा में प्राण त्याग करने पर वह विद्याधर के रूप में और चतुर्थ मात्रा में प्राण के परित्याग करने से वह गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। अपने प्राणों के स्पंदन का ओमकार रूप महाप्राण की जिस कोटि के साथ तादात्म्य होता है उसी के अनुरूप देहांतर की प्राप्ति होती है। चौदहवां श्लोक। यदि पांचवी मात्रा में उस साधक के प्राणों का उत्क्रमण होता है तो वह तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्र लोक में सम्मानित होता है। पंद्रहवां श्लोक। छठवीं मात्रा में शरीर से प्राणों का उत्क्रमण होने पर साधक देवराज इंद्र के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। सातवीं मात्रा में भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है तथा आठवीं मात्रा में पशुपति भगवान शिव के रुद्र लोक में जाकर उनकी समीपता का लाभ प्राप्त करता है। सोलहवां श्लोक। नवी मात्रा में नह लोक को दसवीं मात्रा में जनह लोक ध्रुलोक को प्राप्त होता है। ग्यारहवीं मात्रा में तपोलोक को और बारहवीं मात्रा में साधक शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सत्रहवां श्लोक। इससे भी परतर परे श्रेष्ठ व्यापक शुद्ध निर्मल कल्याणकारी सदैव उदीयमान वह परम ब्रह्म तत्व है। उसी से सभी तरह की ज्योतियां अग्नि सूर्य एवं चंद्रादि प्रादुर्भूत हुई हैं। 18वां श्लोक। जब श्रेष्ठ साधक का मन समस्त इंद्रियों एवं सत रज और तम आदि तीनों गुणों से परे होकर परम तत्व में विलीन हो जाता है तब वह उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे हुए साधकों को योग युक्त कहा जाना चाहिए। 19वां श्लोक। उस योग युक्त और तन्मय हुए साधक को अविद्या आदि दोषों से मुक्त और योग पद्धति से
स्वस्थ आत्मा में स्थित होकर सभी प्रकार के आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए। 20वां श्लोक। इस प्रकार उस साधक के समस्त सांसारिक बंधनों का शमन अक्षय हो जाता है। वह निर्मल कैवल्य पद को प्राप्त कर स्वयं ही परमात्म स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त करके असीम आनंद की अनुभूति करता है। 21वां श्लोक। हे ज्ञानवान पुरुष, तुम सतत प्रयत्न करते हुए आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। उसी के सत चिंतन में अपने समय को लगाओ। प्रारब्ध कर्मा अनुसार जो भी कष्ट कठिनाइयां सामने आए, उनको भोगते हुए तुम्हें उद्विग्न खिन्न दुखी नहीं होना चाहिए। 22वां और 23वां श्लोक। आत्मज्ञान के प्रादुर्भूत होने पर भी प्रारब्ध संस्कार स्वयं त्याग नहीं करता, किंतु जैसे ही तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है, वैसे ही प्रारब्ध कर्म का अक्षय हो जाता है। जैसा कि स्वप्न लोक के देहादिक असत होने के कारण जागृत होने पर विलुप्त हो जाते हैं, विगत जन्मों में जो किए हुए कर्म हैं, उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है। 24वां श्लोक। ज्ञानी के लिए तो जन्म जन्मांतर भी नहीं है, इसलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के लिए कभी भी बाधक नहीं होता। जैसे स्वप्न कालीन दे नहीं होती, केवल अभ्यास मात्र रस्सी में सांप की तरह ही होती है, वैसे ही यह जागृत अवस्था का शरीर भी अध्यास मात्र ही है। 25वां श्लोक। अध्यस्त, यथार्थ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, और उत्पत्ति के अभाव में उस वस्तु की स्थिति कैसे होगी? जिस प्रकार रज्जु रस्सी में सर्प का अध्यास होने पर रज्जु में सर्प उत्पन्न नहीं होता और नहीं उस स्थान में सर्प की स्थिति ही होती है, इसलिए इस प्रपंच का मुख्य उपादान कारण आत्मा ही है। जैसे कि मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी होती है। 26 और 27। वेदांतानुसार ये सभी सांसारिक प्रपंच अज्ञाना अंधकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभासित होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के विनष्ट होने पर संसार की स्थिति नहीं रह जाती। जिस तरह भ्रम बुद्धि से ग्रस्त मनुष्य रज्जु बुद्धि का परित्याग कर उसे सर्प बुद्धि से ग्रहण करता है, अर्थात रस्सी को सर्प समझने लगता है, इसी तरह अज्ञानी मूढ़ मनुष्य सत्य आत्मा का ज्ञान बोध न होने के कारण इस भ्रम बुद्धि व सांसारिक प्रपंच का अवलोकन करता है। जब मनुष्य ठीक तरह से उस रस्सी को पहचान लेता है, तो पूर्व में दृष्टि गोचर होने वाले सर्प की भावना नहीं रह जाती। जिस तरह अधिष्ठान आधार स्वरूप आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर परपंच संसार शून्यता को प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति में देह शरीर भी परपंच रूप यथार्थ होने के कारण प्रारब्ध की स्थिति किस प्रकार रह सकती है? ये 28वां श्लोक। 29वां श्लोक। अज्ञान से ग्रसित लोगों को बोध कराने के लिए प्रारब्ध कर्म की बात कही जाती है। तदंतर कालवश ही सांसारिक प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है। 30वां श्लोक। तत्पश्चात प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने पर ओंकार स्वरूप ब्रह्म की आत्मा के साथ
एकता के चिंतन से नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव के कल्याणकारी स्वरूप पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर भगवान भास्कर प्रकाशित हो जाते हैं। 31वां श्लोक। योगी साधक को सिद्धासन से बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए, तदंतर दाहिने कान के अंदर उठते हुए नाद अनाहत ध्वनि का सतत स्मरण करना चाहिए, बाएं पैर की एड़ी से गुदा स्थान को तथा दाहिने पैर से जननेन्द्रिय मूल को दबाकर शरीर को सीधा रखकर त्रिबंध मूल जालंधर उद्यान लगाने को सिद्धासन कहा जाता है और अपलक नेत्रों से बाह्य दृष्टि को अंतर लक्ष्य करके भ्रकुटी मध्य में देखना वैष्णवी मुद्रा कहलाती है। 32वां श्लोक। इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है। इस तरह योगी साधक दोनों पक्षों आकार और मकार को जीतकर क्रमशः संपूर्ण ओंकार को सहने सहने आत्मसात्कार कर तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है। 33वां श्लोक। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह महान नाद अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देता है। अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देता है। इसके अनंतर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है तब उसके सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप भेद सुनाई पड़ने लगते हैं। 35वां श्लोक। इस नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में समुद्र मेघ भेरी तथा झरना से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनाई देती है। इसके बाद बीच की अवस्था मध्यावस्था में मृदंग घंटे और नगाड़े की भांति यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। अंत में अर्थात उत्तरावस्था में कंकिणी वंशी वीणा एवं भ्रमर की ध्वनि के समान मधुर नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं। 36वां श्लोक। निरंतर नाद का अभ्यास करते हुए जब भेरी आदि की ध्वनि आवाज तेजी से सुनाई पड़ने लगे तब उसमें भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नाद के सुनने का विचार करना चाहिए। 37वां श्लोक। नाद में रुचि रखने वाले साधक को चाहिए कि वह घन नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद मंद ध्वनि या फिर सूक्ष्म नाद का परित्याग करके घन नाद में मन को केंद्रित करे, अन्यत्र और कहीं भी उधर उधर इधर उधर मन को भ्रमित न होने दे। 38वां श्लोक। साधक का मन सर्वप्रथम जहाँ कहीं किसी भी सूक्ष्म अति मंद अथवा घन नाद अभेद्य ध्वनि में लगता है उसको मन को वहीं केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से वह चित्त स्वमेव तन में विलीन होने लगता है। 39वां श्लोक। साधक का मन सभी सांसारिक बाह्य प्रपंचों से विस्मृत होकर दूध में मिश्रित जल की भांति नाद ध्वनि में एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार वह मन नाद के साथ अकस्मात ही चिदाकाश में स्वयं को विलय कर लेता है। 40वां श्लोक। सेमी पुरुष को चाहिए कि नाद श्रवण से भिन्न विषयों वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करे और सदैव चिंतन के द्वारा उसी में रमण करता रहे।
41वां श्लोक। योगी साधक को चाहिए कि सतत चिंतन करते हुए समस्त चिंताओं का परित्याग कर सभी तरह की चेष्टाओं से मन को हटाकर उस नाद का ही अनुसंधान, श्रवण, मनन, चिंतन करे, क्योंकि चिंतन द्वारा सहज ही चित्त का नाद में लय हो जाता है। 42वां श्लोक। जिस प्रकार भ्रमर फूलों का रस ग्रहण करता हुआ पुष्पों के गंध की अपेक्षा नहीं रखता है, ठीक वैसे ही सतत नाद में तल्लीन रहने वाला चित्त विषय वासना आदि की आकांक्षा नहीं करता। 43वां श्लोक। यह चित्त रूपी अंतरंग भुजंग सर्प नाद को सुनने के पश्चात उस सुंदर नाद की गंध से आबद्ध हो जाता है और तत्क्षण ही सभी तरह की चपलताओं का परित्याग कर देता है। 44वां, 45वां और 46वां श्लोक। तदंतर वह मन विश्व संसारिकता को विस्मृत करके तथा एकाग्रता को धारण करके विषयों में इधर उधर कहीं भी नहीं दौड़ता है। विषय वासना रूपी उद्यान में विचरण करने वाले मन रूपी उन्मत्त गजेंद्र को वश में करने में यह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश ही समर्थ होता है। यह नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है और मन रूपी तरंग को रोकने में तट का काम करता है। ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हुआ यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। 47वां श्लोक। मन वहां ही उस प्रकाश तत्व में विलय को प्राप्त हो जाता है, वही परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। 48वां श्लोक। निःशब्द शब्द रहित होने पर वह मन परम ब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। नाद ध्वनि के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के समापन होने पर मन भी अमन शून्यवत हो जाता है। 49, 50, 51 और 52वां श्लोक। शब्द अर्थात शब्द युक्त नाद ध्वनि के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में अक्षीण लय हो जाने पर वह निःशब्द परमपद कहलाता है। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती हैं, तदुपरांत मन एवं प्राण दोनों संशय रहित हो उस निराकार परम ब्रह्म में लय हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म रूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी तरह की चिंताओं से रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह योगी मरे हुए व्यक्ति की भांति मृतवत रहता है। निश्चय ही वह योगी मुक्ता अवस्था प्राप्त कर लेता है और वह योगी शंख, ददुम्भी आदि लौकिक नाद का श्रवण कभी भी नहीं करता है। 53वां श्लोक। जिस अवस्था में मन अमन हो जाता है, उस अवस्था के प्राप्त होने पर शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा हो जाता है। वह मन न शीत जानता है, न गर्मी जानता है और न ही वह सुख दुख का अनुभव करता है। 54वां श्लोक। वह योगी मान अपमान से प्रे हो जाता है। समाधि द्वारा वह इन सभी का पूर्णतया परित्याग कर देता है।
योगी का चित्त तीन अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि का कभी भी अनुगमन नहीं करता है, अर्थात उससे परे हो जाता है। 55वां और 56वां श्लोक। वह योगी जागृत और निद्रा स्वप्न की अवस्था से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। दृश्य वस्तु के अभाव में भी जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, बिना प्रयास के ही जिसका प्राण अपने स्थान पर सो स्थिर हो जाता है, तथा बिना किसी आश्रय अथवा अवलंबन के ही जिसका चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह योगी ब्रह्म में प्रणवनाद के अंतर्वर्ती तुरिया अवस्था परमानंद में सदैव स्थिर हो जाता है। यही उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है। ओम वांग्मे मनसि इति शांति इति नाद बिंदु उपनिषद समाप्ता। ये उपनिषद यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है और इसके साथ ये वीडियो भी संपूर्ण हो जाता है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।